सो हे गाइस, नेम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये आरोन भाई वर्सन 2 जैसे देख सकते हैं, न्यू मॉडल इसका टेल डैडी। इसका सब कुछ ब्रोकन है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैशेस गाड़ी है। देखे तो पूरा बांध के लगा है कस्टमर ने। इसका पोर्शन देख लो, मतलब जस्ट लग रहा है आपको न्यू, बट पूरा एक्सीडेंटल टाइप का गाड़ी है। पूरा वाइजर पूरा हिल रहा है। हेडलाइट असेंबली में बोले तो पूरा हिल रहा है। इसका डिस्क ब्रेक का अगर मैं आपको सबसे बड़ी बात दिखा, इसका जो डिस्क ब्रेक है वो बिल्कुल नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा। देखो पूरा पतला हो गया, ये ज़बरदस्त ब्रेक मारते हो ना तो ये पूरा बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस डिस्क का हम चेंज करेंगे, डिस्क कैलिपर सब कुछ इसका। अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ बाइक, एक्चुअली ये FI गाड़ी है, फुल इंजेक्शन वाला सिस्टम। तो इसमें पहले तो देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है इंजन ट्रैवल सूट। इसका एक कोडिंग होता है, आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या है। तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा सीरीज में, मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं आपको स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनाऊं साउंड, तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका साउंड है बाइक का, इसका जो और इंजन देख सकते हैं IPM जो हाई पे चल रहा है। ट्रबल शूट करना पड़ेगा इसको, इसको ऑफ करते हैं। और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली गाइस बहुत ज़्यादा बेकार है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लच जिसने एडजस्ट किया बिल्कुल टाइट है, मैंने जस्ट इसको लूज़ किया है। और मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका किलोमीटर कितना चल चुका है, गाड़ी चल चुका है बहुत ज़्यादा, 79,700 किलोमीटर्स, मतलब मान के चलो 80,000 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चल चुकी है। तो यही हालत है। पीछे का डिस्प्ले का असेंबली देखना पड़ेगा, व्हील कलर होने वाला है। तो और इसका जो मेन प्रॉब्लम है, बाइक अगर आपको चलाते हो तो बहुत ज़्यादा झटका मारते हैं, मिसिंग है, तो देखते हैं। और बाकी इसके स्पीडोमीटर तो काम नहीं करा, स्पीडोमीटर का सेंसर में भी ख़राब हो गया है, देखना पड़ेगा डिस्प्ले। चेन पूरा ख़त्म है, चेन देख सकते हो, ये वाला जो चेन है इसका देखो पूरा ख़त्म पड़ा है इसका चेन पॉकेट। और स्टैंड वगैरह ये वाला देखो पूरा बेंड है, ये पूरा ख़त्म। और बाकी इस साइड में बोले तो ये वाला लीवर देखो, ब्रेक लीवर पूरा एक्सीडेंटली पूरा घुस गया अंदर, तो साइड पैनल पूरा ब्रोकन है। तो हम इसको रिस्टोर करेंगे, रिवील करेंगे। और इसका R3 में कौन वाला, ये बार एक्चुअली देख सकते हो आरोन भाई वर्सन 2 है, तो इसका हम R3 का वाइजर लगाएंगे। हेडलाइट असेंबली पूरा कंप्लीट, पीछे का 10R1 का आएगा। इसका कस्टमर ने बोला कि टैंक आपका कवर भी मुझे चाहिए, इसका जो टैंक कवर होता है वो हम R1 का डालेंगे, R1 जो सुपर बाइक आता है, तो वो इजीली फिटिंग हो जाएगा। कैसे फिटिंग है सबको मैं दिखाऊंगा। तो ये इसका हालत है, इसका हम रेस्टोरेशन रिबिल्ड सब कुछ करेंगे, देखते हैं। अभी बाइक खोलने के बाद पता चल जाएगा और भी काम निकलता है। ऐसा कूलेंट बिल्कुल ख़त्म है, डिस्क ब्रेक में कोई ऑयल ही नहीं है, डिस्क ब्रेक में ना कोई ऑयल नहीं है, मतलब जैसे खस्ता इसका सिचुएशन है, जितना ख़राब हो सके वो है। तो सबसे पहले हम इसका सीट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या लोचा वगैरह है। इसको चाबी लगाया और सीट ओपन कर दिया। और सीट के नीचे टूल बॉक्स रहता है, ये सब कुछ जंग लग चुका है, ये पूरा फेयरिंग देख सकते हैं पूरा हालत पूरा ख़राब। तो चलिए हम दूसरा सीट निकालते हैं। दूसरा सीट निकालने के लिए आपको ये जो प्लेट देख रहे हैं, इसको आपको ये स्क्रू है इसको ओपन करना पड़ेगा, एक स्क्रू तो है ही नहीं। ये देख सकते हैं 13 नंबर का 2 बोल्ट है, इसे खोलने से आपका सीट ओपन हो जाएगा। और जो कस्टमर ने फेवी मार मार के हालत कर दिए, तो देख लो इस तरीके से था, तो आप इस तरीके से वापस आपको लगाना पड़ेगा। ये ऐसा चल रहा था, तो एक बार चेक कर लेंगे कि लाइट वगैरह सही है कि नहीं। फेवी मार मार के इसका हालत ख़राब कर दिया। मॉडिफिकेशन के लिए टेल टायर निकालना है, इसके लिए आपको 2 पैनल ओपन करना पड़ेगा हल्का सा, या फिर ओपन नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पे 4 नट दिया रहता है, 1, 2, 3, 4, इसे ओपन करने से पूरा आपका टेल सेक्शन ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, इसका हम टैंक ओपन करेंगे। टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे आपका 5mm का एलिंक लगता है। इस पैनल का ये वाला पोर्शन टूटा हुआ है देख सकते हैं, तो देखते क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे 2 एलिंक बोल्ट लगता है, अगेन 5mm का, बट यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट किसी ने लगा रखा है, तो नीड टू ओपन दिस अप। इस टैंक को ओपन करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा, इसका जो बैटरी पैनल है नीचे रहता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसे आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम इसका वायर निकालेंगे।
सबसे पहले हम इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसे हमने डिस्कस कर दिया है, नेगेटिव वाला को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो टैंक ओपन करने के लिए आपको ये वाला लॉक देख सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लॉक ऐसा रहता है, आपको ये वाला लॉक पहले उठाना पड़ेगा और जो पाइप है उसको ये वाला साइड में देख सकते हैं ये है, इसको पकड़ के खींचना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा। तो हमने कर लिया वाला टैंक, लूज है, देखते हैं। ओके अभी बोलो तो ये है एयर फिल्टर इसका। ये देखो एक चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊँ, इसने इसका मैं भी सर्विसिंग किया था, अभी ये मैं रिप्लेस करूँगा, क्लीन करने से चल जाएगा बट मैं रिप्लेस करूँगा। ये अब इसका अराउंड 5% का एयर फिल्टर बॉक्स होता है, मतलब छोटा होता है, इसका प्राइस 250-300 रुपये का अंदर ही आपका महंगा आता है एयर फिल्टर, तो इसके अंदर ऑयल ही ऑयल है। ओके गाइज, किसी ने इसके अंदर इंजन ऑयल डाला है, एक्चुअली एयर फिल्टर के ऊपर एक ऑयल आता है, एयर फिल्टर का प्रॉपर ऑयल आता है, बट किसी ने इंजन ऑयल डाल दिया है। ये देखो अब क्या कर सकते, इसको हम क्लीन करेंगे और इसके बाद हम कोई ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, तो पहले इसको हम रख देते जैसे था, इसका बाद में करेंगे, पहले इसका टैंक का क्लीनिंग करते, टैंक का जो पंप होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो ये है टैंक, इसको मैंने पलट दिया है, अब ये वाला पोर्शन ओपन करने से आपका जो इसके अंदर जो पंप आता है वो ओपन हो जाएगा, उसको एक्चुअली क्लीन करना है और मुझे नहीं पता इसका अंदर कितना गंदा है, तो ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपको देख सकते हैं, सो इसके अंदर 3 नंबर के एलन की लगता है, इसको बहुत सावधानी से बिल्कुल स्ट्रेट करके निकालना है। गाइस ये इसका आपका फ्यूल पंप, सबसे पहले हम इस लॉक को लेकर निकालेंगे और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे और ये आपका ये वाला चीज़ निकल गया, इसको आपको अच्छे से क्लीन करना, हम क्लीनिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। और देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा कचरा है, मैं दिख रहा है, और ये जो रबर है ये इसमें जंग लग चुका है, इस पोर्शन में टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। सो गाइस देखो टैंक के अंदर पानी देखो, ये रहा कितना ज़्यादा पानी है, तो इसी हिसाब से, और यहाँ पे जो जंग लग रहा है ना इसी के हिसाब से लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉरन पार्टिकल भी हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा है टैंक के अंदर, इतना कचरा नहीं होना चाहिए, फुल इंजेक्शन बाइक है बट फिर भी इतना ज़्यादा कचरा है। गाइज ये एक्वेरियम का, मतलब जो मछली वगैरह होता है उसका एक्वेरियम का बाहर निकलने के लिए वाला चीज़ मैंने परचेस किया था, तो इसके लिए इसे काम में लेकर हम टैंक का जो रिमेनिंग पेट्रोल वो हम निकालने वाले हैं। सो इसके अंदर हमने प्रॉपर से क्लीन कर दिया बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल बहुत मेहनत लगा है तो, बट हमने प्रॉपर से क्लीन कर दिया एकदम सुपर क्लीन। जिसके अंदर से निकला है वो है ये चीज़, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये पेट्रोल है क्या, आप समझ पा रहे हो, देखो ये पूरा, मतलब पूरा जेली टाइप का है, ये पेट्रोल नहीं है, जेली टाइप का, मतलब पानी मिक्स हुआ है, तो इस तरीके से इंजेक्टर भी साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉपर स्मूथनेस नहीं है इसका, पिकअप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो और मैंने बाकी रिमेनिंग जो ऑयल है उसके निकालने के लिए मैंने, आप सिरिंज के यूज़ कर सकते हो, इस तरह के आप खींच सकते हो तो ईजी होता है। एंड फाइनली इसको हमने क्लीन कर दिया, ये देख सकते पूरा वाइट हो गए, और बहुत दूसरा बार हमने ऑयल चेंज किया, मतलब इसका दूसरा बार ऑयल दिया फिर भी वह काला हो गया, मतलब इसके अंदर बहुत सारा कचरा था। ये पंप भी क्लीन हो गया। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम को करने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो आप कुछ सीख मिलाओ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें वायरिंग होना चाहिए तो इस होल में घुस जाएगा। घुस गया, और आपका लॉक हो गया। अब इसको अंदर की तरफ डालना है। अब इसका रबर बिठाने का देखो तरीका, यहाँ पे ग्रूव पे ग्रूव बनेगा, अदरवाइज़ अगर आप जबरदस्त लगाओगे तो ये लीकेज करेगा, तो देखिए ग्रूव पे ग्रूव बन चुका है ये वाला रबर।
अब इसके ऊपर जो हम इसको क्लीन करके इसे लगा देंगे। और इसको मैंने क्रिस क्रॉस पैटर्न पे टाइट कर दिए, ये वाला टाइट तभी प्रॉपर फिटिंग हो गया। बार ये इसको इंजेक्टर को क्लीन करने का। अब इंजेक्टर इस बाइक में अगर आप खोलना चाहते हो तो भाई बहुत तगड़ा वाला, मतलब आपको देख के ही पता चलेगा कि क्या सेंसर कहाँ पे लगा है। बट डरिए नहीं, आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। इजी है बट बहुत टाइम लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। चार नंबर के लेंग की यहाँ पे एक बोल्ट, यह का एक बोल्ट और ये वाला बोल्ट, तो देख सकते हैं ये पैनल भी टूटा हुआ है। यहाँ से तीन यहाँ स्क्रू लगता है और यहाँ पे एक लॉक लगता है, यहाँ पे लॉक लगता है जो कि लॉक है नहीं, यहाँ पे एक स्क्रू है, मतलब इसमें लॉक है। लॉक का आपको कुछ नहीं करना है, इसको पुश करना है और ये लॉक आपका निकल जाएगा, देख सकते हैं। जस्ट आपको पुश करना और कुछ नहीं। और आपका साइड बैनल निकल गया। अब इस एयर बेल्ट बॉक्स निकल गया, यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट लगता है, बस इसका बोल्ट 10 नंबर का है ही नहीं, गायब है, देख सकते हो। इसको आपको पूरा ओपन करना है। इसका पूरा वायर निकल गया साइड का। अब नीचे वाला जो इसमें खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू लगता है, एक दो, जो भी ऑब्वियसली मिसिंग है गाइस बाइक में। नीचे गाइस सिर्फ एक स्क्रू है, तो गाड़ी का हालत आप समझ सकते हो। एंड गाइस इसके साथ पूरा हमने फेयरिंग कंप्लीट यहाँ पे खोल कर रखा है और सिर्फ हेडलाइट है और कुछ भी नहीं। हेडलाइट खोलने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी सब कुछ काम एज इट इज़ हो जाएगा। बाकी हेडलाइट ये बड़ा तो चेंज होने वाला है, खोलना तो पड़ेगा, बट अभी ये वाला इंजेक्टर काम ही यहाँ से हो जाएगा। आपको ये वाला जो सेंसर है, ये एक सेंसर और ये आपका फ्यूल इंजेक्टर का होता है, ये दो सेंसर, एक दो, इसको आपको रिमूव करना है। तो जैसे इसको स्पेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा और ये निकल गया। ये वाला कपलर, ये वाला देख रहे हैं एक स्विच है, इसको इस साइड और इस साइड दोनों तरफ प्रेस करेंगे और खींचेंगे तो आपका ये वाला पाइप निकल जाएगा। तो स्क्रू देख रहे हो, इसको इसको ओपन नहीं करना है, लूज करने से चल जाएगा। पहले हमने ये वाला थ्रॉटल बॉडी, इसे थ्रॉटल बॉडी कहते हैं, इसे इंजेक्टर कहते हैं। तो पहले हम थ्रॉटल बॉडी को निकालेंगे। उससे इससे पहले दो एक्सीलरेटर तार है, उसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले हम निकल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कपलर पहले लगाना है, आपको लगाना था टाइम, इसके अंदर पहले लगाना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, अदरवाइज ये कपलर जो है नीचे रहता है। तो ये मेरा थ्रॉटल बॉडी निकल गया, तो इसे हम क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो और ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये आरपीएम का होता है, आरपीएम अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई एनामोन वगैरह कोई लगा है मुझे लग रहा है। सो ये इसके इंजेक्टर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, देख सकते हो, और ओरिंग भी भाई ओरिंग का हालत भी ख़राब है। सो ये मेरे पास दो सेंसर, ये है आपका थ्रॉटल बॉडी और ये है मैनिफोल्ड, इसके अंदर यहाँ पे इंजेक्टर लगता है और ये आपकी इंजेक्टर, ठीक है। इसका हालत बहुत ही ख़राब है, अदरवाइज मैं अगर नहीं खोलते इसको लगाया जाता तो यहाँ पर साइन मीटर में नहीं दिखा रहा है, बट इसलिए मैंने खोला है क्योंकि बहुत दिन से ओल्ड पुराना गाड़ी है, रफ यूज़ हुआ है। तो उसका देखो बहुत गंदा है, इस साइड आपको पता नहीं चलेगा, इस साइड देखो पूरा गंदा है, देखो इतना गंदा, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका था ही नहीं। और जब भी मैं स्पीड में भगाता हूँ तो बाइक दब जाती है। थ्रॉटल बॉडी को हम पेट्रोल से नहीं क्लीन कर सकते, केरोसिन से क्लीन करेंगे। तो उससे लिए इसके अंदर जो भी ओरिंग आता है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले ये वाला एक सेंसर आता है, इसका जो नट है वो, ये वाला चीज़ आपका नॉर्मल एलंकी से लगेगा नहीं, तो मुझे मजबूरन परचेज़ करना पड़ा ये वाला पूरा सेट एलंकी हेक्स की का। तो ये 3 या 3.5 mm का एलंकी से आपका ये खुल जाएगा। तो ये एक सेंसर देख सकते हैं, इसका अंदर कितना ज़्यादा ओरिंग सेट है, अगर हम इसमें ज़रा सा पेट्रोल का यूज़ करें तो ये गया समझो। और ये गाइस इसके अंदर एक वाल्व सिस्टम होता है, ये आपका आरपीएम को कम ज़्यादा करता है, देख सकते हैं, ये काम करना चाहिए। और बाकी ये इस तरीके से लगता है, ये हम क्लीन करेंगे केरोसिन से। तो क्लीन करते हैं, तो ये ओरिंग को सावधानी से रखना है। और तीसरी बात, ये आपका मैनिफोल्ड, इसमें हम पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ये जो ओरिंग है इसे आप निकालना पड़ेगा।
तो चलिए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। और ये वाला जो होल है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो इसको मैं पेट्रोल से क्लीन करूँगा, केरोसिन से भी हो जाता है। और इसको मैं बिल्कुल सावधानी से, आपका पेट्रोल से नहीं केरोसिन से इसको क्लीन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर सेंसर वगैरह का ओरिंग होता है तो क्लीन हो जाता है। क्लीन करने के बाद मैं मिलता हूँ। तो मैं ये मैनिफोल्ड क्लीन ही कर रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखा, देख सकते हैं जिसने भी इसका रबर डाला, इसमें पैकिंग मतलब एना बॉन्ड का कुछ यूज़ किया, वही बॉन्ड देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंदर है। तो ऐसा ना करें, जो भी लोग देख रहे हैं तो ऐसा ना करें, इसमें कोई बॉन्ड का यूज़ नहीं होता है, और होता भी है तो बिल्कुल माइनस होता है, देख सकते हैं पूरे इंजेक्टर को ये ब्लॉक कर देता है, अदरवाइज सीज का इंजन सीज कर देता है। बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लें, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी कचरा नहीं है। अब इस सेंसर को टच ना करें, और ये वाला आपका मैनिफोल्ड बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो गए, और आपका जो इंजेक्टर है वो भी क्लीन हो गया। बाकी इसका हम बैटरी से चेक भी करेंगे। फिटिंग बोले तो पहले हम ये वाला सेंसर लगाते हैं जैसे था, इसको हमने पेट्रोल से बिल्कुल भी टच भी नहीं किया, इसके अंदर ओरिंग होता है फूल जाएगा तो बिल्कुल। यार ये एक्चुअली आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है, कैसे काम करता है देखिए, देखिए ये मूव हो रहा है, तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर ये होता है, तो ये होल इस तरीके से आएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया, इसका जो ओरिंग है इसको हम लगा देंगे वापस। ओरिंग इसमें हम हल्का सा इंजन ऑयल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ताकि बिना डैमेज होके चला जाए, अदरवाइज इसका कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। इसके अंदर जो 12 नंबर का 10 नंबर का बोल्ट आता है उसे हम लगा देंगे इस तरह से। और ये आपके इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया। मैंने ये जो एयर फिल्टर बॉक्स है बिल्कुल क्लीन कर दिया, आपने देखा होगा इसमें ऑयल था, पता नहीं किसने ऑयल डाला था, इंजन ऑयल मुझे मिला, इंजन ऑयल था तो मैंने क्लीन कर दिया, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो थ्रॉटल वाल्व है वो लगाएंगे, इंजेक्टर ये वाला चीज़ हमने लगा दिया है, और बाकी इसका बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई का क्लीन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। सो कस्टमर का था ये पे बोल्ट ही नहीं थे, मैंने 10 नंबर का बोल्ट अलग से डाला है। तो अगर आप छोटे छोटे चीज़ें काम करते हो अपने हिसाब से दे देते हो तो कस्टमर भी खुश होगा, और ये लगा भी नहीं अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। ट्रक 2 to 3 लीटर्स पेट्रोल डालेंगे, फर्स्ट स्टार्ट मैं ऑन कर रहा हूँ, इसका मैंने स्पार्क प्लग लगाना भूल गया था, तो अभी चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। स्पार्क प्लग का मैंने खोल के रखा था, भूल गया था लगाना, अब मैंने लगा दिया, अब चेक करते हैं। अभी थोड़ा सा मिसिंग करेगा स्टार्टिंग में, अभी आरपीएम देखो बिल्कुल स्टेबल है, 2000 आरपीएम पे है, आरपीएम देखो 2000, इसका आरपीएम कम करना पड़ेगा। ये वाला जो स्क्रू देख रहे हैं ना, इसको कम करने से आरपीएम कम हो जाएगा। इसके मैंने आरपीएम एडजस्ट कर दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट से काम कर रहा है। तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, देखो आरपीएम देख सकते हैं 1200-1300 में बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, देख सकते हैं।